पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, यानी साइड ग्लास जो है साइड मिरर कौन सा उपयोग होता है, तो हम जानते हैं उत्तल लेंस यूज होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण में फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध आपको बताना है, तो स्फेरिकल मिरर में फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो संबंध होता है वो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बहुत जबरदस्त होती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड बोलते हैं हम उसको, यहाँ मीटर में बताया तो मीटर में हम ये बताएंगे। चौथा क्वेश्चन जो है दाढ़ी बनाने वाले कौन सा दर्पण उपयोग, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, यानी कि सेविंग मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण को हम यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम है, कभी कभी क्या आदमी कन्फ्यूज हो जाता है यार अपसारी लेंस तो पढ़ा ही नहीं शायद, ऐसे भी होता है। और छठा क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तांक यानी म्यू का मान होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, खा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सातवां है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नीचे से 3 छोड़ दो ऊपर से 3 छोड़ दो तो बीच वाला जो बचता है ये हरे रंग का होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरा रंग। आठवां क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है, तो इसको अवतल लेंस यानी कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल, ठीक है ध्यान रखना है आपको, अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस से दूर किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा पूछा गया आपसे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो निकट वस्तु को नहीं देख सकता तो उसमें दूर दृष्टि दोष है, का ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दसवां क्वेश्चन पूछा गया है तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, तो तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल में अपवर्तन, गा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ग्यारहवां जो क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता आपको बतानी है, तो क्षमता जो होती है वो हम लिखते हैं 1/ जो है आपकी फोकस दूरी, और दूरी जो है मीटर में होनी चाहिए, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में है, तो 1/50 करेंगे, 1/50, और इसको हम जब मीटर बनाएंगे तो 10^-2 से हम इसको इंटू कर देंगे, अब -2 है तो ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है इसको हटा देते हैं, अब 50/100 हो गया, 50×100 2 आ गया, और 2 पॉजिटिव आ गया तो 2 डायोप्टर, का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, दूर बिंदु तो अनंत है, पास की बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होती, ठीक है दूर अनंत होती है, पास की 25 होती है, दोनों क्वेश्चन मैंने आंसर बता दिया आपको, लेकिन आंसर जो अभी इस क्वेश्चन का है वो अनंत आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे दूर की जगह पास लिखा आता तो 25 सेंटीमीटर होती, याद रखना है आपको। स्नेल के नियम अनुसार जो है म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौदहवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करूँ तो ए बी प्लस सी डी देता है हमें ए डी और सी डी में, यानी कि इसका ए टूट करके डी से जुड़ता है और इसका बी टूट करके सी से जुड़ता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, संयोजन वियोजन विस्थापन कोई भी, यहाँ पे विस्थापन कर सकते थे लेकिन यहाँ विस्थापन नहीं, डबल विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्वि विस्थापन हो रहा है, तो इसका सही आंसर होगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता होगा, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है। 16वां जो क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको सभी को पता है। 17वां क्वेश्चन है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या लिखा है गलत लिखा है, तो यहाँ पे उपचयन मानते हैं हम, तो उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग होता है, योग नहीं आएगा, तब जाके उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे, तब ये उपरोक्त आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको क्या गलती है, उपचयन आएगा यहाँ पे और उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ये सब होते हैं लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का योग नहीं त्याग होगा, त्याग मैंने लिख रखा है। इसके बाद आते हैं 18वां क्वेश्चन पे। 18वां जो है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है आपका हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2O पानी में बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुझा चूना का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्योंकि ये आपका बुझा चूना है। इसके बाद आते हैं लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगा, क्या होगा Fe3O4। उसके बाद 21वां क्वेश्चन उदासीन जल का पीएच कितना होता है, तो उदासीन जब होता है न्यूट्रल विलयन होता है तो हमारा जल उसका 7 होता है। ठीक है, 7 हमेशा याद रखना। 22वां क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद जो है हमेशा खट्टा होता है, अम्ल कैसे होते हैं खट्टे, और अगर अम्ल की जगह अगर आपसे दूसरा पूछता तो वो कैसे होते हैं, वो होते खट्टे की जगह मीठे या बोल सकते हैं अलग ही खारे टाइप में। 23वां क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। 24वां क्वेश्चन है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन होता है। 25वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जिसमें आधा H2O हो CaSO4×½H2O जो है इसका सही आंसर खा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे लिटमस पत्र पर
लिटमस पत्र विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है, का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, किसमें होता है, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लीशमीनिया में भी होता है, सभी में होता है, खाओ आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी। यहाँ पे गलत छपा हुआ था, कोई नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे सभी आएगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट था, इसको सही कर दिया है मैंने। 28वां है, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है तो मुख गुहा से प्रारंभ होती है, प्रारंभ की बात की गई है, तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत को हम इनामेल कहते हैं, खा ऑप्शन करेक्ट है। 30वां क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ स्त्रावित होता है, तो यकृत में होता है, खा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, ये सारी की सारी जो है अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं, तो इसमें सभी आ जाएगा। इसके बाद आते हैं प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, पूर्ण जन्म बोलते हैं या अपखंडन बोलते हैं उसको, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण जन्म या अपखंडन। 34 नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो फूलों में पाए जाते हैं, पौधों के अंदर जो फूल होते हैं उसके अंदर जनन अंग पाए जाते हैं। 35वां है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो पूर्ण जोड़ा है जो वो आपके स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है, स्त्रियों के अंदर पूरे जोड़े पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, हर एक कोशिका में पाया जाता है लेकिन मेनली कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। 37वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल उत्तरदायी है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो आपका जो है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत आपको बताना है, नवीनीकरण जो स्रोत है वो लकड़ी है, ठीक है, नवीनीकरण है ये, आप जो है नवीनीकरण कर सकते हैं इसका। उसके बाद आते हैं प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो आप जानते हैं, मुख्य स्रोत सूर्य है। और 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो एलपीजी का मुख्य अवयव जो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों हैं, ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपका साइंस विषय का फुल सोल्यूशन, इसके बाद मैथ्स का देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का मैंने डाल दिया है, इंग्लिश का डालने वाला हूं। बने रहिए इस चैनल के साथ में, फुल सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल सके कि मैं कौन सी वीडियो डाल रहा हूं और उसको आप कितना आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको चैनल पर मिलता रहेगा। ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, अगर आपने चैनल पर विजिट नहीं किया, अपनी प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो उसको देखना भूलना नहीं है, आप फटाफट उस चीज़ को फटाफट देखें और सारी वीडियोस को देखकर के अपनी तैयारी को बेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।